Dear student, today we are taking topic foreign trades and integration of markets. For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. लंबे समय से ही विदेशी व्यापार जो है एक मुख्य रूट है, मुख्य चैनल से देशों को जोड़ने के लिए. इन हिस्ट्री इतिहास में यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट and the extensive trades that took place along these routes. इतिहास में हमने ये पढ़ा है कि ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ा है, जो इंडिया और साउथ एशिया के बाज़ारों को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे ईस्ट और वेस्ट में, और जो विस्तारित व्यापार था जो इन रूट के माध्यम से किया जाता था. Also, you would remember, और आपको ये भी याद होगा, that it was trading interest which attracted various trade companies such as the East India Company to India. और आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से जो trading interest थे विदेशी कंपनियों के, जो trading company को हमेशा attract करते रहते थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनीज का जो इंटरेस्ट था, जो अट्रैक्शन था, वो टूवर्ड्स द इंडिया था. वाट देन इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद जो था उन फॉरेन ट्रेड का जो मुख्य मूल फंक्शन था वो क्या था. टू पुट इट सिंपली, foreign trades create an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. और इन सबको रखते हुए foreign trades ने एक opportunity create करी producers के लिए कि वो अपने domestic market के बाहर beyond परे जाए, और in other countries they must start the business. दैट इज मार्केट फॉर देयर ओन कंट्री की, और जो कंपनीज हैं वो अपने कंट्रीज के लिए मार्केट क्रिएट करें. प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कॉम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. प्रोड्यूसर्स को ना केवल अपने प्रोड्यूस को अपने मार्केट्स में बेचें, बल जो मार्केट्स विद इन द कंट्री के अंदर है, विद इन द कंट्री है, ना केवल वहाँ बेचें, बट दे कैन आल्सो कम्पीट इन द मार्केट, और बल्कि उन मार्केट्स में भी उनको प्रतियोगिता करनी चाहिए, कम्पीट करना चाहिए. दो आर लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में बाजार लोकेटेड हैं. सिमिलरली इसी तरह से फॉर द बायर्स, बायर्स के लिए भी इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स प्रोवाइड इन अनदर कंट्री इज वन ऑफ द एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड वाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस. और इसी तरह से बायर्स के लिए भी जो है जो इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स दो आर प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री, जो गुड्स का आयात है जो दूसरे देशों में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो एक तरीका है कि वो अपने चॉइस ऑफ गुड्स को एक्सपेंड करें जो उनके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके देश में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके आधार पे वो जो है ना केवल उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, बल्कि उनके सामने जो चॉइस ऑफ गुड्स हैं उनको भी वो अपना एक्सपेंड करें. ये जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये चाहते थे. ये जो है इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स गुड्स ट्रेवल वन मार्केट टू अनदर. सामान्य तौर पे जो है विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड्स व्यापार के शुरुआत से ही गुड्स जो है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल करता है. चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइजेज, और जो लोग गुड्स की चॉइस हैं वो मार्केट्स में बढ़ती जा रही हैं. प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल्स, और
जो एक ही तरह के गुड्स हैं मार्केट के अंदर दो देशों में, दे आर गोइंग टू टेंड्स टू बिकम इक्वल, हुआ जो है इक्वल्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन से। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज और जो प्रोड्यूसर्स जो दो देशों में हैं, दे नाउ क्लोजली कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के प्रति कॉम्पीट कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल, और यहाँ तक कि वो जो हैं सेपरेटेड हैं थाउजेंड ऑफ माइल से। फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, और फॉरेन ट्रेड जो है उसका ही परिणाम है कि जो मार्केट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, दोज आर लोकेटेड इन अनदर कंट्रीज दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड, वो कनेक्ट हो रहे हैं और इंटीग्रेट हो रहे हैं मार्केट्स जो लोकेटेड हैं इन अदर कंट्रीज। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ चाइनाज टॉयस, चाइनीज टॉयस दोज आर कॉम्पिटिंग विद इंडियन मार्केट, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो थे, मेकर्स जो थे, उन्होंने ये सीखा कि किस तरह से, उन्होंने एक इस अवसर के बारे में सीखा कि किस तरह से अपने टॉयज को जो है इंडिया में एक्सपोर्ट करें, वेयर टॉयज आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, जहाँ पर जो है टॉयज जो हैं वो हाई प्राइस पे बेचे जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया, और वो जो हैं उन्होंने भारत में चाइनीज प्रोड्यूसर जो थे, उन्होंने भारत में प्लास्टिक टॉयज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज, और जो बायर्स थे, परचेजर थे भारत में, अब उनके सामने ये ऑप्शन था कि वो इंडियन एंड चाइनीज मेड टॉयज़ को चूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस होने के कारण एंड न्यू डिजाइंस और नए डिजाइन होने के कारण चाइनीज टॉय जो थे दे बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, और चाइनीज टॉय जो थे दे बिकम द मोर पॉपुलर, सो वो जो हैं ज़्यादा फेमस हो गए इंडियन मार्केट्स में। विद इन ए ईयर्स, एक ही साल के अंदर 70 to 80% ऑफ टॉयज शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉय, और एक ही साल के अंदर 70 to 80% जो टॉय शॉप थी, जो खिलौनों की दुकानें थी, वो उन्होंने जो है चाइनीज टॉयज ने बदल दिया, और जो इंडियन टॉयज थे उनको रिप्लेस कर दिया, और नाउ द चाइनीज टॉयज हैव टेकन देयर प्लेस, और चाइनीज टॉयस ने उनकी जगह ले ली। टॉयस आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर, और टॉयज जो थे, जो चाइनीज टॉयस थे, वो जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में अब सस्ते थे पहले से ज़्यादा। वाट इज हैपनिंग हियर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड, और जो है व्हाट इज हैपनिंग हियर्स, यहाँ क्या हो रहा था एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड, ट्रेड के वजह से चाइनीज टॉय कम इनटू द इंडियन मार्केट, व्यापार के परिणाम स्वरूप, ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो था चाइनीज टॉय जो थे इंडियन मार्केट्स में आए, इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज टॉय, और इंडियन और चाइनीज टॉयज के कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिता में चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, चाइनीज टॉय जो हैं वो अच्छे सिद्ध हुए। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयस, और भारतीय परचेजर के सामने जो थे अब ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयस थे, अब उनके दे हैव द चॉइस बिटवीन द इंडियन टॉयस एंड चाइनीज टॉयस, और जो थे अब इंडियन बायर्स जो थे वो उनके सामने वैरायटी ऑफ चॉइस थी, और दे वर नाउ टेकिंग द चाइनीज टॉय एट ए लोअर प्राइस, फॉर
द चाइनीज टॉयज मार्केट चाइनीज टॉयज मार्केट के लिए दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस चाइनीज टॉय मार्केट्स के लिए इसने एक अवसर प्रदान किया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें. जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स ऑफ टॉयज थे द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियंस टॉय मेकर्स और इसका उल्टा भी इंडियंस टॉय मेकर के लिए सही है. दे फेस लॉसेस उन्होंने जो है लॉसेस फेस किए एज देयर टॉयस आर सेलिंग मच लेस और क्योंकि उनके टॉयज होते हैं इंडियन टॉयज होते हैं दे आर सेलिंग मच लेस और वो अब कम कीमत पर बिक रहे थे.